दोस्तों डेटा ट्रांसफर के लिए पेन ड्राइव एक बहुत ही बढ़िया सा सोर्स है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे बार ऐसे होते हैं कि बहुत सारी पेन ड्राइव होने की वजह से हमें जो है पता नहीं चलता कि कौन सी पेन ड्राइव जो है हमारी है, क्योंकि पेन ड्राइव पे बहुत सारे अलग अलग सिंबल नहीं होते, एक ही तरफ की होते हैं सिंबल। अगर आप कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं तब आप देखेंगे कि एक सिंबल जो है एक ही टाइप के होते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा एक प्रोसेस है जहां पर आप अपनी फोटो को एज ए आइकॉन के तौर पर पेन ड्राइव में लगाकर पेन ड्राइव को जो है अपना बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिंपली वही सीखेंगे कि आप अपनी पेन ड्राइव को कैसे अपना बना सकते हैं, मीन्स उस पर अपना फोटो को एज ए आइकॉन के तौर पर लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इस वक्त अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे हूँ, और यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं मेरा एक फ़ोटो है, तो इसको मैं अपनी पेन ड्राइव में इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पेन ड्राइव जो है यहाँ पर है, और इसके सामने जो आइकॉन है ये बेसिक सा एक नॉर्मल सा आइकॉन है, तो इसको मैं रिप्लेस करके मेरा यहाँ पर फ़ोटो को इंसर्ट करूँगा। तो सिंपली मैं अपनी फ़ोटो में इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं फ़ोटो पर जाता हूँ और इसको मैं ओपन करता हूँ एमएस पेंट पे, ठीक है, ओपन विथ पेंट, ठीक है। आपको भी इसको ओपन करना है तो इसको पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल, और उसके बाद इसको क्रॉप करना है। तो मुझे जितना साइज चाहिए उतना मैं यहाँ पर क्रॉप करता हूँ, तो यहाँ पर क्रॉप, तो ये क्रॉप हो गया। और इसके बाद मुझे इसको सेव करना है, तो सिंपल सा मैं फाइल में जाऊँगा और यहाँ पर सेव एज पे क्लिक करूँगा। तो सिंपल यहाँ पर ये आ गया। तो अब मैं इसको कुछ भी नाम देता हूँ, जैसे कि मैं नम 1 इसको नाम देता हूँ, ठीक है। और इसको आपको सेव करना है ये जो है BMP फॉर्मेट में, ठीक है, 24 बिट, ये जो BMP फॉर्मेट होता है इसमें आपको सेव करना है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, अब इसको ओके कर देता हूँ। सिंपल ये सेव हो गया, तो ये देखिए ये सेव हो गया। अब मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ यहाँ से, ओके। तो ये रहा ये मेरा BMP फॉर्मेट फाइल। अब आपको जो करना है आप सिंपल से अपने नोटपैड को ओपन करना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक ऑटो रन जो फाइल होता है उसको आपको क्रिएट करना है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, ऑटो रन ब्रैकेट देता हूँ, ब्रैकेट देना है आपको, और उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है ऑटो रन, और उसके बाद आपको एंटर देना है, और इसके बाद आइकॉन लिखना है, और उसके बाद इज इक्वल टू जो नाम आपने दिया था, जैसे कि मैंने नंबर 1 दिया था तो 1 आपको देना है, और जिस फॉर्मेट में आपने सेव किया वो आपको दे देना है .pmp, ठीक है। अब इसको आपको सेव कर देना है, तो मैं फाइल में जाकर आपको सेव करता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो है आपको सिंपल सा ऑल फाइल सिलेक्ट करना है, और इसको ANSI कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर फाइल नेम यहाँ पर मैं करता हूँ सिंपल सा ऑटो रन, आपको यह भी लिख देना है AUTO RUN.INF, ये आपको सिंपल सा लिखना है AUTO RUN.INF, फिर जब आपको इसको सेव कर देना है। तो ये देखिए ये बिल्कुल सेव हो गया यहाँ पर। अब आपको जो करना है ये दोनों को आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको इसको कॉपी कर देना है, और सिंपल सा यहाँ पर अपनी पेन ड्राइव है पेन ड्राइव के अंदर जाना है और इसको सिंपल सा यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो सिंपल ये पेस्ट हो गया मेनली, तो बाहर जाकर आपको एक बार इसको रिफ्रेश कर देना है, और उसके बाद आपको पेन ड्राइव को जो है बाहर निकालना है सिंपल सा। तो मैं सिंपल सा बाहर निकालता हूँ इसको, और फिर से आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है पेन ड्राइव को। तो ये देखिए ये पेन ड्राइव मेरा आ गया। अब मैं ऐसे इसको ओपन करता हूँ तो ये देखिए मेरा पिक्चर जो है यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों इस ट्रिक्स को अप्लाई करके आप भी अपनी पेन ड्राइव के अंदर अपनी फ़ोटो को जो है इंसर्ट कर सकते हैं, और पेन ड्राइव को अपने बना सकते हैं, और किसी भी दूसरे कंप्यूटर में आप यूज़ करेंगे तो सिंपल से ये फ़ोटो आइकॉन भी आएगा उसी कंप्यूटर में। तो दोस्तों ये तो था एक ट्रिक्स जिसको यूज़ करके आप भी अपनी फ़ोटो को पेन ड्राइव के अंदर एज ए आइकॉन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को एक ज़रूर लाइक कर देना, और इसके रिलेटेड कोई भी क्वारीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं ऐसा ही कंप्यूटर रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स डालता रहता हूँ इस चैनल पर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।